राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति नए सिरे से गढ़ी जा रही है। मिशन 25 को फेल करने के लिए कांग्रेस सहयोगी हाथ बढ़ा रही है। कुछ साथी बीजेपी और आरएलपी से लिए जा रहे हैं। अब चर्चा में है कि हनुमान बेनीवाल ही कांग्रेस में आ सकते हैं। यह बात दिव्या मदेरणा को खटक रही है। दिव्या मदेरणा हारी हुई ओसिया से कांग्रेस की विधानसभा प्रत्याशी है, लेकिन मदेरणा परिवार की राजनीति का भविष्य भी है। उनके बयान अक्सर वायरल होते हैं और ये वायरल बयान इस बीच में आना कि दिव्या मदेरणा इस गठबंधन से खुश नहीं है और कांग्रेस छोड़ सकती है, तो क्या असर कांग्रेस पर होगा या दिव्या मदेरणा की राजनीति बस इतनी ही थी। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ। ठीक पहले राजस्थान चौक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी दीजिएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश गौरव हैं। आकाश, राजस्थान की राजनीति नए सिरे से गढ़ी जा रही है। बीजेपी तो कह रही है कि दरवाजे तोड़ कर आ रहे हैं, दीवारें फांद कर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिन दावेदारों को लिया है वो बीजेपी के मिशन 25 को फेल कर सकते हैं, गणित बिगाड़ सकते हैं। और ये तो तय है कि हार जीत का जो अंतर 2019 में था उसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। बात यहाँ दिव्या मदेरणा की हो रही है। क्या लगता है दिव्या मदेरणा का वो बयान जिसमें वो शेरनी अपने आप को बता रही है, क्या इस बार जो उनके धुर विरोधी हैं हनुमान बेनीवाल, उनको लेने की जो खबरें हैं वो आहत कर रही हैं क्या दिव्या मदेरणा को? हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से उनके पिता, उनके दादा, उनके परिवार पर लगातार बयानबाजी करते रहे, विधानसभा चुनावों में उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे पैरों में आकर गिर गए थे कि ओसिया में प्रत्याशी मत उतारिए, ये तमाम चीज़ें हैं, तो इससे दिव्या मदेरणा ये बात भी समझती हैं कि उनके परिवार के प्रति काफ़ी मुखर रहे हनुमान बेनीवाल, काफ़ी उन पर आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे आरोप भी लगा दिया था उनका और वो बड़ा भयानक था, उसका विरोध भी हुआ था। हनुमान बेनीवाल के बयान का भी लोगों ने बड़ा उसमें कटाक्ष किया कि ऐसा नहीं उन्हें बोलना चाहिए था। अब ऐसे में दिव्या मदेरणा के लिए ये तो शुरू से कहा जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल संग अगर गठबंधन होगा कांग्रेस पार्टी का तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा दिव्या मदेरणा ही है, वो नहीं चाहती कि गठबंधन हो। और जाहिर है कि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल हमलावर रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगी। लेकिन अब जैसी खबरें आ रही हैं कि गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी का, और कुछ मीडिया रिपोर्ट से भी बताती हैं कि गठबंधन फाइनल हो चुका है, फाइलों में ये बात तय हो चुकी है, नेताओं के बीच बात तय हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल दिल्ली में भी हैं, वहाँ ये जानकारी कि प्रियंका गांधी उनके साथ लॉबिंग के लिए लगी थी कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो जाए। यहाँ अशोक गहलोत चाहते हैं गठबंधन हो जाए क्योंकि वैभव गहलोत को फायदा मिलेगा, फायदा जोधपुर में मिलेगा, इन सब चीज़ों को लेकर। तो ऐसे में दिव्या मदेरणा का गुस्सा होना तो इसमें जायज़ है कि वो कांग्रेस पार्टी से नाखुशी रहेंगी अगर ये गठबंधन होता है तो। जी, पार्टी के निर्णय से ऊपर क्या दिव्या मदेरणा की नाराजगी है? ये सवाल राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। राजनीति में रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले, सार्वजनिक मंचों पर कटाक्ष करने वाले अब बीजेपी में बड़े पदों पर हैं, सत्ता में काबिज भी हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने खुलकर आग उगली और अब ठंडी राहत के छींटे उन्हें दे दिए गए हैं। बीजेपी की नीति अलग है, लेकिन कांग्रेस और खास तौर पर राजस्थान में क्या ये निर्णय दिव्या मदेरणा की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश पर भी है? बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल संग गठबंधन होता है तो वहाँ दिव्या मदेरणा को तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर दिव्या मदेरणा की जो चर्चा है कि वो भाजपा में आ जाएंगी तो इससे तो कांग्रेस के लिए मुसीबत है, क्योंकि मारवाड़ में ओसियां और जोधपुर के जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं उसमें कई ऐसे हैं जो मदेरणा परिवार के समर्थक हैं, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में हमने कई ऐसे लोग देखे हैं, मिर्दा और मदेरणा परिवार जाट राजनीति के लिहाज से कांग्रेस के मजबूत स्तंभ रहे हैं। अभी नागौर से जो प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्दा और यशपाल मिर्दा भी जा चुके हैं, तो ये सिलसिला मिर्दा परिवार तो कह सकते हैं कि पूरा केसरिया हो गया है। अब मदेरणा परिवार अगर होता है तो मारवाड़ मेवाड़ की जो राजनीति है उस पर गहरा असर तो आकर्ष डालेगी ही डालेगी। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये उठता है, क्या दिव्या मदेरणा के जाने से उस इलाके में कांग्रेस खत्म होगी?
जैसे रिचपाल मिर्धा जब भाजपा में आए तो उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या, मिर्धा परिवार को कुछ नहीं दिया, मदिरणा परिवार को कुछ नहीं दिया, ये वो बात करते रहे। तो ये बात समझने वाली कि परशुराम जवाब भी आ गए थे, जी जवाब भी आ गए थे, बड़ी लिस्ट है, जब विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, बड़े पदों पर रहे और पूरे नागौर बेल्ट की राजनीति तो मिर्धा परिवार चलाता रहा, तो ऐसे में बयान आ गए थे कि देने का अर्थ क्या है, उसकी सीमा क्या है, और जब जरूरत कांग्रेस को है तो आप छोड़कर बीजेपी में जा रहे हो तो आपके हित क्या है। तो ऐसे में इन हालातों में राजस्थान की राजनीति कितनी प्रभावी होगी और बीजेपी को क्या सच में इतनी बड़ी मुश्किल है कि उन्हें दरवाजे केवल एक नहीं सारे दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं कि आइए जो भी आएगा उसका स्वागत है, मोदी जी का मिशन 25 फुल एंड फाइनल करना है। बीजेपी तो इस शायद विजन से देख रही है कि मारवाड़ में जो दो बड़े परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए कहे जाते हैं, मिर्धा परिवार को तो लेकर आई गए हैं, सिर्फ हरेंद्र मिर्धा उधर बचे हुए हैं, और यहाँ से अगर साथ में मदेरणा परिवार भी आ जाए तो भाजपा के लिए तो बड़ी आसान राह हो जाएगी मारवाड़ में। उनके लिए कितनी यहाँ पर मुश्किल चीज़ें रहने वाली है। मदेरणा परिवार को लेकर लोगों की सहानुभूति भी है इस बात को लेकर कि दो बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए उनके समाज के दो नेता, उनके परिवार के दो नेता जेल चले गए, जेल चले गए, कृत्य उन पर आरोप जो लगे वो बड़े भयानक थे जी, बिल्कुल। वहां की राजनीति में कई चर्चे तो हैं, बिल्कुल चर्चे भी हैं और ये चर्चे हनुमान बेनीवाल ने भी चुनावों के दौरान की है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मदिरणा परिवार के प्रति जो लोगों की वहां पर यूं कहेंगे सहानुभूति है, दिव्या मदिरणा ने भी उसको चुनावों में खूब बुनाया, अपने हार गई, छोटे मार्जिन से वो हारी, लेकिन हार तो हार होती है, यानी कि जनता ने आपको नकारा है, इस बात को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। जिसमें एक कारण उनका ये बताया जाता है कि जो बड़बूलापन है, जो बयान है उनके मंचों से, ये भी एक कारण बताया जाता है। और हनुमान बेनीवाल से टक्कर नाराजगी वो भी बड़ा कारण है जी, बिल्कुल वो भी बड़ा कारण है। हो सकता है कि अशोक गहलोत ने ही शायद कुछ ऐसा वहां पर एक खेल रचाया हो कि हनुमान बेनीवाल ने अपना प्रत्याशी ओसिया में उतारा ही नहीं वहां पर, जिससे कि वहां पर एक तरफा भैराराम सियोल वहां पर जीत गए और दिव्या मदिरणा के लिए मुसीबत हुई। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं, लेकिन दिव्या मदिरणा के लिए सबसे बड़ी जो चर्चा वो ये है कि उन्हें अजमेर सीट से उतारा जा सकता। सवाल भी यही आ रहा था जी कि वो नाराज नहीं हो, ऐसे में प्रत्याशी बना दिया जाए और अजमेर सीट से उन्हें उतार दिया जाए ताकि वो कह सके कि आपको प्रत्याशी तो बनाया गया है। वो जो गठबंधन संभावित है, हनुमान बेनीवाल पर निर्णय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लेने में देरी कर रही है, क्योंकि आरएलपी लोकसभा चुनाव में पूरे राजस्थान में मजबूत दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ वोट प्रतिशत है जो चाहते हैं हमारे फेवर में आएगा तो चुनाव परिणाम बदलेगा। विधानसभा चुनाव में जो धक्का हनुमान बेनीवाल को लगा, उनकी राजनीतिक विरासत खिसकती हुई दिखाई दी, उसका अगर हनुमान बेनीवाल यही मजबूत होते, 4-5 विधायक कम से कम उनके होते, केवल अकेले नहीं पड़ते, तो संभवतः स्थितियां अलग होती और बिजनेस यानी व्यापार और राजनीति में तो ताकत देखी ही इस हिसाब से जाती है। एक तरफ राजनीति कहती है कि गठबंधन हम ताकतवर से करेंगे, कमजोर से नहीं, और दूसरी तरफ बीजेपी उन तमाम पहलुओं को खोले हुए है कि आप जैसे भी हैं आप आइए, उसके बाद निर्णय करेंगे कि आपको एडजस्ट कैसे किया जाए। अजमेर का आप जिक्र कर रहे थे, क्या लगता है अजमेर से दिव्या मदेरणा उतरने के लिए यस करेंगी और हनुमान बेनीवाल जो उनके राजनीतिक विरोधी रहे हैं और लगातार उन पर कमेंट करते रहे हैं, व्यंग बाण छोड़ते रहे हैं और उनके निशाने पर भी हनुमान बेनीवाल रहे हैं, केवल टिकट की खातिर समझौते की स्टेज पर आएंगे? पहली बात तो ऐसा लग नहीं रहा है सर कि वो टिकट के समझौते के खातिर आ रही हैं। वो यही बात है कि हनुमान बेनीवाल के साथ अगर गठबंधन होता है तो उससे नाराज होकर आ रही है। इसमें मुझे अशोक गहलोत जी का एक बयान ध्यान आ जाता है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है दबाव बना रही हो कि मेरी राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे, मैं लड़ूं तो सही भले ही परिणाम कुछ भी हो, और एक दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है कि हनुमान बेनीवाल को अगर ला रहे हो तो मुझे अजमेर से उतारिए। अगर वो अजमेर से उतरती हैं तो उनके पास 2 से 3 फैक्टर्स के फायदे रहते हैं। सबसे पहला कि अजमेर को पायलट का भी एक घर माना जाता है, पायलट वहां से विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। दिव्या मदेरणा सचिन पायलट की समर्थक मानी जाती हैं,
तो उन्हें एक ये फायदा। दूसरा फायदा जातिगत समीकरण का कि जाट वोटर बहुत अच्छे हैं अजमेर में, जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है वहां पर। अजमेर के लोकसभा सीट के जो विधायक हैं उसमें भी देखिए कांग्रेस के यंग ऐसे लीडर हैं जो उनके लिए अच्छी मेहनत कर सकते हैं। विकास चौधरी कर सकते हैं उनके लिए, लड़ने की कतार में है। उनका भी नाम सामने आ रहा था कि इस बार अगर विकास चौधरी को वहां लड़ाया जाए तो वो लड़ाके भी साबित होंगे। हालांकि किशनगढ़ की जनता चाहती है वो विधायक बने रहे, उनकी सेवा करते रहे, लेकिन अगर सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिलता है तो वो भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बीजेपी से टिकट किसे मिल रहा है वो भी अजमेर में मायने रखेगा, और जो सीधी टक्कर उनकी स्थानीय क्षेत्र पर रही वो नए सिरे से गढ़ी जाएगी जी। और ऐसे में दिव्या मदिरणा अगर अजमेर आती हैं भाजपा की टिकट पर तो वहां पर नुकसान नागौर और जोधपुर में कांग्रेस की टिकट पर, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। कांग्रेस की टिकट देने की बात हो रही है, कांग्रेस की टिकट देने की भी बात हो रही है। बात एक तरफ जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें भाजपा की भी हो रही है कि दिव्या मदिरणा भाजपा में शामिल होकर भी अजमेर से टिकट लेकर आ सकती हैं। तो ये भी एक चीज है यहाँ पर कि क्या दिव्या मदिरणा भाजपा में शामिल होने वाली हैं हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन को लेकर अगर वो रूठती हैं तो। राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में तस्वीर तो इतनी क्लोज थी कि वो पार्टी छोड़ेगी नहीं, तो ऐसे छत्र अगर पार्टी छोड़ते हैं जी तो फायदे में तो भाजपा रहेगी, लेकिन नुकसान में सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक छवि के तौर पर, एक पार्टी परिवार के तौर पर भी मदिरणा परिवार को नुकसान होगा। और उस क्षेत्र में बीजेपी के संभवतः ज्यादातर सदस्य नहीं चाहते कि जोधपुर में बीजेपी में आकर मदिरणा सक्रिय रहे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति वहां पर खत्म होती सी उन्हें दिखाई देगी। बहराराम सियोल क्यों चाहेंगे कि वो भाजपा में आए और टिकट ले यहाँ से, क्योंकि ओसिया में फिर दिव्या मदिरणा शेखावत का भी जिक्र यहाँ कर सकते हो जी। गजेंद्र सिंह शेखावत भी नहीं चाहेंगे कि दिव्या मदिरणा यहाँ पर आए, क्योंकि फिर मदिरणा परिवार के साथ दिव्या मदिरणा जोधपुर में भाजपा के लिए एक बड़ा फेस बनकर उभरेंगी, तो वो कहीं ना कहीं चुभेगा वहां पर भाजपा के भी नेताओं को। लेकिन जो हम कह रहे थे कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा अगर दिव्या मदिरणा वहां पर रूठती है तो, जोधपुर और नागौर में हम ये कह रहे हैं कि वहां पर उन्हें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बात यह रही कि वो राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में चली थी, तो हमने अशोक गहलोत के साथ जो उनका तथाकथित एक राजनीतिक संकट उन्होंने कहा था सरकार में, उस समय तक जितने नेता उनके साथ खड़े थे उसमें से अधिकतर भाजपा में जा चुके हैं। ये भी याद रखना होगा कि नेता शायद किसी के नहीं होते कि वो जब उन्हें लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है, उन्हें कुछ और लहर दिख जाती है, तो वो पाला बदलने में समय नहीं लगाते। ये तो हम तमाम अभी पिछले 15-20 दिनों के घटनाक्रम में ही अब देख चुके हैं, जिसमें अभी भी कई नेताओं की चर्चा है कि वो शायद भाजपा के द्वारे खड़े हैं, कांग्रेस के द्वारे खड़े हैं, पार्टियां उनकी अभी अलग है, लेकिन वो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि हमें ले लीजिए। तो ऐसे में नेताओं का हालांकि कुछ भरोसा नहीं कहा जाता है। हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस में आते हैं जी तो आरएलपी को साथ लाएंगे या जैसे एनडीए के साथ गए थे वैसे गए? ये हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जाता है कि वो अगर विधानसभा चुनाव में उतरे और उन्होंने नारायण बेनीवाल को इस बार टिकट नहीं दिया, खुद लड़े, तो इसीलिए कि वो अब केंद्र छोड़कर अगले 5 साल आरएलपी को यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो ये भी हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल को लग रहा हो कि बीजेपी से दूर जाने के बाद मैं जीत भी नहीं पाऊंगा, यहाँ ये भी समझा जा सकता है, ये भी समझा जा सकता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर आरएलपी को मजबूत करना चाहते हैं तो वो कांग्रेस में विलय तो नहीं करेंगे पार्टी का, वो यही होगा कि आरएलपी प्लस कांग्रेस का गठबंधन नागौर की सीट पर हो जाएगा, सीकर में लेफ्ट और जी लेफ्ट के साथ कांग्रेस पार्टी का, डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी पार्टी के साथ हो जाए, बिल्कुल हो जाए। लेकिन उसमें भी भारत आदिवासी पार्टी एक सीट पर गठबंधन, लेकिन बाकियों पर तो अपने प्रत्याशी वो उतारेंगे जहां वो ऐलान कर चुके हैं, उदयपुर के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए और भी सीटों के लिए। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल के साथ जितने जल्दी ऐलान हो जाए उतना बेटर है, अगर नहीं हो रहा है तो भी ये नेता वहां पर साफ कर दे बात की नहीं होगा। नामांकन का भी समय नहीं बचेगा फिर तो, नामांकन का भी समय नहीं, फेज की जो टिकटें हैं जी उनके लिए तो फिर दिन ही कितने बचेंगे। अगर आप प्रचार के लिए भी आप चाहें तो आपके पास मुश्किल से अभी 20 दिन अच्छे तरीके से प्रचार करने के बचेंगे नामांकन के बाद जी। और ऐसे में अगर क्लियर हो जाता है हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होने वाला है नहीं होने वाला है, तो फिर दिव्या मदिरणा को लेकर भी चर्चा खत्म हो जाएगी कि भाजपा में जाएंगी, कांग्रेस के टिकट लेंगी अजमेर से, तो ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएगी। तो इससे फायदा एक तरफ कांग्रेस पार्टी को ही है, और भाजपा तो वैसे ही खुश है कि अगर वहां पर लड़ाई होती है दिव्या मदिरणा हनुमान बेनीवाल के गठबंधन को लेकर, तो ऐसे में तो भाजपा के लिए हर जगह बिछे हुए एक तरीके से गुलाब के फूल कहेंगे। और दिव्या मदिरणा अगर अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर आती है या फिर भाजपा के टिकट पर, तो हनुमान बेनीवाल के लिए दोनों तरफ से मुसीबत ही है। चलते चलते एक सवाल ले लेते हैं आपसे कि चुनाव कितना दिलचस्प हो जाएगा अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ आते हैं।
देखिए सबकी नज़र नागौर की सीट पर ही रहेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास युवाओं की फौज है। हनुमान बेनीवाल के पास सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले, एक लहर बनाने वाले इतने युवा हैं कि वो आरएलपी के लिए, जिस प्रकार से हमने विधानसभा चुनावों में देखा कि विश्लेषण बताते थे कि हारते बचे हैं हनुमान बेनीवाल, हारते हारते बचे हैं, पर यहाँ जो हमने सोशल मीडिया पर देखा विधानसभा चुनावों में कि हवा ऐसी बन रही थी कि 7 से 8 सीट आएगी, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद मंच से कह रहे थे कि ये बैठे हैं अगले मुख्यमंत्री, लोग कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल के दरवाजे भाजपा और कांग्रेस अपने नतमस्तक हो जाएंगे कि आइए आप सरकार बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनिए। तो जो सोशल मीडिया पर हवा बनेगी, जो ग्राउंड पर बनेगी हवा, दोनों अलग अलग रहेगी, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा नागौर का। वहीं हनुमान बेनीवाल के आने से चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा बाड़मेर का, चुरू का, ये तमाम सीटों पर अच्छा फर्क पड़ने वाला है। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा यहीं थामते हैं। राजस्थान चौक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मन के भावों का मंच यही है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कार्यक्रम कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा, उस पर नए सिरे से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेता हूँ विदा। होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, होली का उत्साह रंगों का उत्साह है। एक लाइन जो मैं हमेशा चुनाव के समय कहता हूँ, जागरूक मतदाता बनिए। राजस्थान चौक से आप जुड़े हैं तो जागरूक तो है ही, मतदान करने अवश्य जाइएगा। नमस्कार।